नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन जैन। श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ के एकादश धी महाशास्ता भगवान महावीर के प्रतिनिधि युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी अपनी धवल सेना के साथ महाराष्ट्र राज्य की सीमा में निरंतर गतिमान है। आचार्य श्री की इस यात्रा से महाराष्ट्र की ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली जनता भी लाभान्वित हो चुकी है। मुंबई और पुणे जैसे मुख्य शहरों को पावन बनाने के उपरांत आचार्य श्री पुणे जिले के गाँवों को पावन बना रहे हैं। बुधवार को प्रातः काल की मंगल बेला में शांति दूत आचार्य श्री महाश्रमण जी ने शिरूर से मंगल प्रस्थान किया। मार्ग में अनेक स्थानों पर वाहनों से उतरकर कितने ही लोगों ने राष्ट्रीय संत आचार्य श्री महाश्रमण जी के दर्शन और पावन आशीष से लाभान्वित हुए। तीव्र धूप में भी लगभग 11 किलोमीटर का विहार कर आचार्य श्री नारायण गावहान में स्थित ब्लूमिंग बर्ड्स इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज परिसर में पधारे। स्कूल परिसर में आयोजित मंगल प्रवचन कार्यक्रम के दौरान उपस्थित श्रद्धालुओं को महामानव आचार्य श्री महाश्रमण जी ने पावन प्रतिबोध प्रदान करते हुए कहा कि भारतीय धर्म दर्शन में और धार्मिक साहित्य में मोक्ष की बात आती है। जीवन का अथवा आत्मा का परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति हो, सर्व दुख की मुक्ति और एकांत सुख की प्राप्ति मोक्ष में होती है। साधुपन लिया जाता है, श्राव तत्व भी ग्रहण किया जाता है। इसके मूल में मोक्ष की प्राप्ति लक्ष्य होता है। मोक्ष की प्राप्ति में वो असफल हो जाता है जो व्यक्ति चंड होता है। आदमी जब तक चंडत्व में रहेगा वो मोक्ष को नहीं प्राप्त हो सकता। चंडता अर्थात गुस्सा आदमी को दुष्परिणाम दिलाने वाला होता है। चंडता के कारण आदमी इतना भयंकर गुस्सा आता है तो एक बार तो आदमी मुख से अनाप शनाप बोलना, हाथ में कुछ ले लेना अथवा उससे प्रहार भी कर सकता है। आदमी गुस्से में मानो सांप की भांति हो जाता है। जीवन में आवेश और गुस्सा अहितकर होती है। क्षमा और समता की स्थिति मानव की कल्याणकारी है। वितरांगता का संदेश है कि आदमी को गुस्से को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। कभी ऐसी स्थिति आए तो आदमी को मौके पर मौन भी रह जाने का प्रयास करना चाहिए। गुस्सा जब भी आए तो आदमी मौन करे तो वो बड़ा मौन होता है। कहा गया है कि कम खाओ, गम खाओ और नम जाओ। आदमी को इसका अभ्यास करने का प्रयास करना चाहिए। कम खाने से आदमी स्वस्थ, गम खाने से आदमी मस्त रहता है और नम जाने से प्रशस्त रह सकता है। प्रतिकार की अक्षमता होने पर भी क्षमा का भाव रखने वाला मर्द होता है। क्षमा को वीरों का आभूषण होता है। इसलिए जीवन में क्षमा का विकास हो और चंडता कम हो, क्योंकि बताया गया है कि चंड आदमी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए आदमी चंडता को छोड़कर मोक्ष की दिशा में गति करने का प्रयास करना चाहिए।